हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में निसंतानता भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो इनफर्टिलिटी एक कॉमन कंडीशंस होती है जहां पर लेडीज प्रेग्नेंट होने में इनेबल होती हैं, उसी कंडीशंस को इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहा जाता है। इसके पिछले 10 सालों में देखा गया है कि 70% रेट इनफर्टिलिटी का बढ़ गया है, मींस 10 लाख से ज्यादा लेडीजें इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। अब बात करते हैं कॉजेस की। तो इनफर्टिलिटी का सबसे मेन कॉज होता है हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस के कारण जो हमारे ओव्यूलेशन है वो सही टाइम पर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे हमारे जो हार्मोन इंबैलेंस क्यों होते हैं, इसका सबसे फर्स्ट रीजन है कोई मेडिकल कंडीशन, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। अगर आपको पीसीओडी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दी है। देन थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं हार्मोनल इंबैलेंस के। एंड कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं या कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं या कोई एंटी कैंसर मेडिसिन्स ले रहे हैं, इस कंडीशंस में भी हार्मोन बहुत ज्यादा इंबैलेंस होते हैं और कंसीविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके बाद सेकंड मेन फैक्टर है वो है इरेगुलर मेंसेस, मींस इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स के कारण भी कंसीविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि उस ओवुलेशन जो होते हैं वो सही टाइम पे नहीं आते हैं। अगर 21 दिन से पहले या 32 दिन के बाद मेंसेस या पीरियड्स आ रहे हैं, उस कंडीशंस में हमारे ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है और इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। इसके बाद डाइट, डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल बिजी लाइफ होने के कारण लोग क्विक बाइट लेते हैं या जंक फूड का ज्यादा यूज करते हैं, और जो विटामिंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे हार्मोन को मेंटेन रखते हैं, उसको नहीं ले पाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, प्रोटीन। ये विटामिंस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इनफर्टिलिटी के को रोकता भी है, तो इसके कम यूज करने से, अनहेल्दी डाइट लेने से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देन एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनफर्टिलिटी में, जैसे 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करना या 35 ईयर्स के बाद लोग शादी हो रही है उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करना, उसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि उस समय पे जो हमारे एग होते हैं उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है और कंसीव होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर चेंज, मतलब जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ओवरीज या यूट्रस, उसमें उसका कुछ जो स्ट्रक्चर चेंज भी बनावट, उसके बनावट में कुछ चेंज आना। देन अंडरवेट या ओवरवेट का होना, बहुत ज्यादा ओवरवेट के कारण भी हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अंडरवेट होने के कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। देन स्ट्रेस, डिप्रेशन या नींद का ना आना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। ज्यादा स्ट्रेस लेने से या प्रॉपर नींद ना लेने से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन है वो बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं। देन एंडोमेट्रियोसिस,
बहुत सारे कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी की, पर जो हमने बात की ये बहुत ज्यादा मेन कॉजेज इनफर्टिलिटी के हैं। देन अब बात करते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को। तो इसके लिए आपको सबसे अपनी कुछ जीवन शैली में कुछ चेंजेस लाने होंगे। जैसे सबसे फर्स्ट आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशंस करने होंगे, जिसके कारण हमारे हार्मोन बैलेंस रहे, वो भी सुबह जल्दी उठ के, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट को बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट रखनी होगी। अपने डाइट में विटामिंस, जो हमारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको ऐड करना होगा। जैसे विटामिन सी, जो खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन बी12, प्रोटीन, कैल्शियम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमारी बॉडी में हार्मोन को बैलेंस रखता है। तो आप अपनी डाइट में इसको जरूर ऐड करिए, इससे इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाती है। देन अनार, अनार बहुत से स्टडी में पाया गया है कि अनार और अनार का जूस लेने से इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होती है, क्योंकि अनार जो होता है वो हमारे हार्मोन को बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है, और जो एग है वो बहुत ज्यादा हेल्दी प्रोड्यूस करता है, हेल्दी एग प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आपको स्ट्रेस से जितना हो सके आप दूर रहें, और प्रॉपर नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर कोई लेडीज स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल का सेवन करती है, उसे बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल या स्मोक करने से हमारे जो हार्मोन हैं वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर योगा एंड मेडिटेशंस जरूर करने होंगे। देन बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक का इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30 एंड सीपिया 30। इन दोनों को आपको मिक्स करके लेना है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपका अंडरवेट या ओवरवेट दोनों में से कोई भी है, साथ साथ आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इस कारण आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सीपिया 30 की 2 ड्रॉप एंड पल्सेटिला 30 की 2 ड्रॉप आधे कप पानी में साथ में ही मिक्स करके दिन में 2 बार आपको लेना है। देन सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है नेट्रम्फॉस प्लस बोरेक्स 30। नेट्रम्फॉस 30 एंड बोरेक्स 30 को आपको, इसको भी साथ में आप नेट्रम्फॉस लाइए और बोरेक्स 30 लाइए, इन दोनों को आधे कप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार साथ में ही मिक्स करना है, दिन में 2 बार जरूर लेना है। अगर आप इसके लक्षण आप मैच कर सकते हैं, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्रिड हॉट डिस्चार्ज हो रहा है, उसके कारण कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो आप नेट्रम्फॉस और बोरेक्स इसको दिन में 2 बार जरूर लें। एंड थर्ड बेस्ट मेडिसिन है ओवाटोस्टा 3x। ओवाटोस्टा 3x बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर इनफर्टिलिटी। तो ओवाटोस्टा को रात में दो टैबलेट डायरेक्ट आधे कप पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल इनबैलेंस है, हार्मोनल इनबैलेंस में थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम है, और साथ साथ पीसीओडी है एंड एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो आप ओवाटोस्टा 3x जरूर लें रात में सोने से पहले 2 टैबलेट। देन बायो कॉम्बिनेशन 15। तो बायो कॉम्बिनेशन 15 में स्पेशली इरेगुलर मेंसेस के लिए दिया जाता है, मींस अगर इरेगुलर पीरियड्स के कारण आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको जरूर लें। 4 टैबलेट दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में आप इसको जरूर लें। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे ओवाटोस्टा 3x ले रहे हैं, तो आप बायो कॉम्बिनेशन 15 ऐड करके जरूर लें।
देन एक और बात कि आपको मेडिसिन के साथ साथ कैलेंडर मेथड का जरूर यूज करना होगा। कैलेंडर मेथड क्या होता है? कैलेंडर मेथड जो हमारे पीरियड्स हैं उसके 11 डेज से 16 डेज के बीच में बहुत ज्यादा ओव्यूलेशन टाइम बेस्ट होता है, तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कैलेंडर मेथड का जरूर यूज करिए, इसके साथ साथ डाइट फॉलो करिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहिए। कुछ स्टडी में पाया गया है कि 40 में से 30 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली और उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।